चेक के लिए। यतिन जी, क्या ध्यान और रुझान आज तेजी की तरफ? देखिए शैल जी, जैसे कि चंदन ने कमेंट्स दी, काफी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल रही है, सेक्टर स्पेसिफिक हो चाहे वो निफ्टी स्पेसिफिक हो। ओवरऑल बेसिस पे डीली रूम्स को लगता है कि टेक महिंद्रा यहाँ एक आईटी काउंटर ऐसा है जहाँ आप फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है आपको। यहाँ 1480 से लेके 1500 के टारगेट्स यहाँ डीली रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि काफी फ्रेश बाइंग भी आपको यहाँ देखने को मिल रही है। एफआई डेस्क की तरफ से ओपन इंटरेस्ट भी आज लगभग 6% बढ़ा है, काफी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस यहाँ हमको देखने को मिली है। तो आईटी पैक में टेक महिंद्रा पे तेजी का रुझान, अगर आपको याद है 1200 के लेवल से भी यहाँ काफी सारे डीली रूम्स के पॉजिटिव कॉल्स आ रहे थे। टेक महिंद्रा के अलावा बड़े दिनों बाद यहाँ औरोबिंदो फार्मा में आपको तेजी का तड़का लगते हुए दिखाई दे रहा है। एफआई जो बिकवाली कर रहे थे वो बिकवाली थम गई है, ऐसा डीली रूम्स का मानना है, और यहाँ से स्टॉक में 4 से 5% का पोजिशनल अपसाइड आपको सितंबर सीरीज में आता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टॉक आज 750 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं डीली रूम्स को लगता है कि यहाँ 25 से 35 रुपए टाइप की तेजी देखने को मिल सकती है। यतिन, अगर आप देखें दो स्टॉक्स का जिक्र किया, मिड कैप की स्किप यतिन के पास है कि नहीं बताइएगा, लेकिन मैं पहले अगर आप देखें दो स्टॉक्स दिखाता हूँ। टेक महिंद्रा को रिपीट नहीं करूँगा, कुछ देर पहले हमने इस पर ऑप्शन कॉल भी ली और एक व्यू भी लिया। ये अरविंदो फार्मा यतिन के आने से पहले अगर आप देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव बायस इसमें बन रहा था, लेकिन क्योंकि डीलर्स इसको अब चेज कर रहे हैं, लेट्स नाउ डिस्कस अरविंदो फार्मा। याद रखिएगा, डॉक्टर रेड्डीज की अर्निंग्स ने पूरे के पूरे इस स्पेस का व्यू बिगाड़ दिया था। ये भी टूटा और गजब टूटा। आप समझ लीजिए कि ये स्टॉक आया था 1023 से लेकर रिट्रेस होकर 644 का इसने लो लगाया। एक बार मैं अपने चार्ट्स को जरा वीकली चार्ट्स पे कन्वर्ट करता हूँ। आशीष, आपकी रीडिंग, आशीष चतुर्मोता जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है? वीकली चार्ट्स पे देखते हैं एग्जैक्टली, अगर आप देखें क्या कर रहा है। यस, दिस इज एग्जैक्टली 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपकी राय, एट अ प्राइस ऑफ 746 आपको एक बहुत सीरियस बेस बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? पिछले 3 हफ्ते इसी ट्रेजेक्टरी में गुजार दिए, दैट इज 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष चतुर्मोता जी, तो बिल्कुल देखिए वीरेंद्र, अभी जिस तरह का करेक्शन इस स्टॉक में हुआ, एक बहुत ही शार्प करेक्शन था, करीब 1100 के स्तरों से स्टॉक करेक्ट होके 650 की ट्रेजेक्ट्री में आया, और अब जब यहाँ पे एक बेस बन गया है, 3 हफ्तों में स्टॉक ने टूटना बंद कर दिया और वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन नहीं आया, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को नजर आएगी। हालांकि ये कहना कि बेस बनकर एक नए ट्रेंड की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है वो थोड़ा सा प्रियमटिव होगा, बट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है 50 रुपए की तेजी इसके अंदर बन सकती है, प्योरली लेड ऑन शॉर्ट कवरिंग। तो मैं समझता हूँ 735 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, 790-800 की ट्रेजेक्ट्री अरविंदो फार्मा के स्टॉक में बनती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो ये अरविंदो फार्मा